हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम गैलीलियो जीडीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पीएनआर में सेगमेंट स्टेटस होता क्या है। एज अ ट्रैवल प्रोफेशनल, अगर आप पीएनआर बनाते हैं गैलीलियो पे और कई बार एयरलाइन फ्लाइट की टाइमिंग चेंज कर देती है या आपकी बुकिंग को कैंसिल कर देती है, तो आपके सेगमेंट का स्टेटस क्या होता है उसे जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे सेगमेंट स्टेटस क्या होता है और सेगमेंट स्टेटस में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये वीडियो दो पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंट स्टेटस क्या होता है और सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेगमेंट स्टेटस को हम चेंज कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले मैं एक आपको अवेलेबिलिटी शो करता हूँ। 15th of March के लिए मैंने दिल्ली दुबई सेक्टर लिया है और आप देखेंगे दिल्ली दुबई सेक्टर में मुझे यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स मिल रही है। लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, लाइन नंबर 5 पे मुझे यहाँ पे देख रहे हैं जुलू क्लास में, यानी ये वेट लिस्ट है। जितने भी ऑरेंज कलर के होंगे ये सारे के सारे वेट लिस्ट होंगे और जितने भी ग्रीन कलर के होंगे सारे के सारे कंफर्म होंगे और जितने भी स्लेटी कलर दिख रहे हैं आपको ये यहाँ पे बुकिंग क्लास में सी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्लोज है। फिलहाल के लिए मैं आपको एल क्लास में सीट सेल करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 917 जुलू क्लास, यहाँ जो है ये इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट स्टेटस। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एलएल है, तो जब आप इस पे प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये एलएल होता है और आप जब इस पीएनआर को सेव कर देते हैं तो ये स्टेटस चेंज हो जाता है। तो मैं आपको एक इसके स्टेटस देखिए कैसे चेंज हो जाती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं नाम डालता हूँ, ठीक है, मैंने टेस्ट डाला। ओके, मैं यहाँ पे आपको रिसीव फॉर्म डाल रहा हूँ पीएनआर बनाने के लिए, मैं पीएनआर बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये मेरा पीएनआर बन चुका है। तो आपने देखा कि जब मैंने सीट सेल किया तो यहाँ पे मुझे एलएल लिखा हुआ आ रहा था, अब ये एचएल में चेंज हो गया है। तो एक तरीके से स्टेटस मेरा चेंज होता जा रहा है। अब अगर एयरलाइंस ने इसको कंफर्म कर दिया, अभी ये अंडर वेट लिस्ट है, अगर एयरलाइंस ने इसको कैंसिल किया आपका जो स्टेटस है एचके से एचएल से ये केएल बन जाएगा। केएल का मतलब होता है कंफर्म फ्रॉम वेट लिस्ट, यानी आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। अब एज अ ट्रैवल एजेंट आपको करना क्या होगा, इस केएल को फाइनली एचके में बदलना होगा। तो आपने क्या सीखा कि जब आपने सीट सेल किया तो ये एलएल में था इनिशियल स्टेज, एलएल का मतलब वेट लिस्ट हो गया आपको। ओके, अब आप इसको जब पीएनआर सेव करेंगे एचएल हो जाता, यानी कि हैव वेट लिस्ट। ये जब आप सीट सेल करते हैं तो ये गैलीलियो से रिस्पांस आता है एलएल का और आपको बताया जाता है कि आपकी बुकिंग वेट लिस्ट है, और जब आप पीएनआर सेव कर देते हैं तो ये डेटा ट्रांसफर होके एयरलाइन के पास जाता है और एयरलाइन से फिर आपको मैसेज मिलता है कि एचएल यानी आपकी बुकिंग जो है वो वेटलिस्ट में होल्ड हो रही है। अब जब ये कंफर्म हो जाएगी तो एयरलाइन आपको इसको केएल करके शो करेगी कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है और एज अ ट्रैवल एजेंट आपको फाइनली इसको एचके में चेंज करना है। ये चार स्टेज हो गए बुकिंग स्टेटस, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट स्टेटस। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कई बार ऐसा होता है कि एयरलाइन आपकी पीएनआर को कंफर्म कर देती है और आपके क्यू में मैसेज भेजती है। तो एक तरीके का कम्युनिकेशन चैनल है गैलीलियो में जिसमें एयरलाइन आपसे कम्युनिकेट करती है रिगार्डिंग आपके पीएनआर को लेकर के, कि आपके पीएनआर में अगर किसी फ्लाइट का डिपार्चर टाइम चेंज हो गया, फ्लाइट का मॉडल चेंज हो गया, या फिर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, या आपकी फ्लाइट वेट लिस्ट थी वो कन्फर्म हो गई, तो वो सारे के सारे आपके पीएनआर से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होते हैं वो सारे के सारे आपके क्यूज में आते हैं। तो अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बोला था कि हम इस पे एक्शन कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, अब आपको स्क्रीन पे ये एक पीएनआर दिख रहा है, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे टैप पोर्चुगल 453 लंदन से लिस्बन की ये केएल है, यानी ये बुकिंग स्टेटस जो है ये कन्फर्म हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, एज अ ट्रैवल एक्सपर्ट इसके स्टेटस को आपको चेंज करनी है, स्केल को आपको एचके बनाना है। तो आपको करना क्या, एट द रेट को सिंबल डालनी है, जिस सेगमेंट में आप स्टेटस चेंज करना चाहते हो वहां पे सेगमेंट नंबर डालनी है,
और उसके बाद आपको एचके की कमांड डालनी है, सिस्टम क्या करेगा इसको कंफर्म कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सेगमेंट वन कंफर्म हो चुका है। मैं आइटनरी डिस्प्ले करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेटस चेंज हो गया। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज अ ट्रैवल एजेंट अगर आप कोई पीएनआर बनाते हो, अगर अंदर वेट लिस्ट है तो कंफर्म करने की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होती है, और जब एयरलाइंस उसको कंफर्म कर देती है तब तो आपको फाइनली स्टेटस को एचके में बदलना है। चलिए अब हम दूसरा स्टेटस देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे एक और पीएनआर दिख रहा है। इस बार जो सेगमेंट स्टेटस है यहाँ पे आप देख रहे हैं टीके है। तो टीके का मतलब होता है कि ये कंफर्म तो है लेकिन इसमें फ्लाइट का टाइमिंग चेंज हुआ है। आपको करना क्या है, एयरलाइंस की हिसाब से जो टाइम टेबल चेंज हुआ है वो आपको पैसेंजर को फोन कॉल करके या आप उसको बताना होगा कि सर अर्लियर जो टाइम था वो टाइम चेंज हो गया है। अगर कस्टमर कहता हो कि कोई बात नहीं मैं जा सकता हूँ, तो आपको इस टीके को फिर से आपको एचके में बदलना हो। अब इसे कैसे बदले, तो इट्स वेरी सिंपल। आपको एट द रेट का सिंबल इस्तेमाल करनी है, सेगमेंट नंबर चूज करनी है। यहाँ पे सेगमेंट नंबर वन है मेरा और मैंने यहाँ लिखा एचके और मैंने एंटर किया तो देखिए सेगमेंट वन एच के हो गया। अब मैं पीएनआर को फिर से डिस्प्ले करता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस मेरा चेंज हो गया है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि ये सारे स्टेटस कैसे होते हैं और इनको हमें किस तरीके से इनसे निपटना चाहिए वो हम फाइनली बात करते हैं। ओके, अब आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो सबसे पहले आपको समझना एजेंट रिक्वेस्ट कोड। एजेंट रिक्वेस्ट कोड का मतलब होता है कि जब आप सीट सेल कर रहे होते हैं समय आपकी स्टेटस होती है एचएस, और जब आप पीएनआर सेव कर लेते हैं तब गैलीलियो का रिस्पांस हो जाता है एचके, यानी वो कंफर्म हो जाता है। अगर एयरलाइंस इस फ्लाइट के टाइम टेबल को चेंज करती है वो टीके करेगी, और टीके करने के बाद आपका जो एक्शन होगा उसको एचके करना है। और अगर आप एचके करने के बाद गैलीलियो अगर उसको एचके कर देता है और एयरलाइन उसे एच यूएस कर देती है, यूएस का मतलब होता है अनेबल टू सेल लेकिन आप उसको वेट लिस्ट कर सकते हैं, तो आपका जो एक्शन होगा उसको एचएल में बदलना है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप सीट सेल करेंगे तो वो वेट लिस्ट होगी, और एयरलाइन अगर उसको कंफर्म करेगी तो आपको उसको एचके में बदलना है। ओके, अब यहां पे देखिए एचएक्स लिखा हुआ आता है। एचएक्स लिखने के बाद ये बड़ा ही दुखदायी सिचुएशन होता है क्योंकि एयरलाइंस ने आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी है। तो जब एच एक्स आपको मिलता है या नो लिखा हुआ मिलता है तो आपको उसको चेंज करना है एक्स के में चेंज करना है। ओके, और अगर यूएन लिखा हुआ मिलता है, एयरलाइन का रिस्पॉन्स आता है यूएन, तब आपको उसको एक्स के करना है। तो ये स्टेटस आपको चेंज करनी है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जब आप सीट सेल करेंगे यानी कि पीएनआर आपकी बनी नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी, तो उस स्टेटस में आपको कहलाया जाता है एजेंट रिक्वेस्ट कोड, यानी आपने पीएनआर कंप्लीट नहीं किया है। ये एचएस मिलेगा, ये आपको एलएल मिलेगा, ये आपको एनएन मिलेगा। जब आप पीएनआर बनाना शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं एजेंट रिक्वेस्ट कोड। पूरा पीएनआर कंप्लीट नहीं होता है, जब पूरा पीएनआर कंप्लीट हो जाता है तब आपको एचके लिखा हुआ मिलेगा, या आपको एचएल लिखा हुआ मिलेगा, या पीएन लिखा हुआ मिलेगा। यानी ये गैलीलियो ने आपको एक्स, ये जो स्टेटस कोड है गैलीलियो ने आपको बताया। अब गैलीलियो ने बता दिया, फाइनली एयरलाइंस उस पर एक्शन लेगी और एयरलाइंस आपको बताएगी। तो टीके टाइम टेबल चेंज, यूएस अनेबल टू सेल लेकिन आप उसको वेट लिस्ट कर सकते हैं, और अगर केएल हो तो आप उसको एचके करना है जो मैंने आपको बताया था, और अगर टीएल लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि अभी भी ये वेट लिस्ट है। तो पैसेंजर को बताइए कि टाइमिंग चेंज हो गया लेकिन अभी भी वेट लिस्ट है, तो आपको उसको एचकेएल में चेंज करना है। और अगर केके है तो एयरलाइंस बोल रही कि कंफर्म हो रहा है, आप उसको भी एचके में बदल सकते हैं। अगर यूयू हो तो आप समझ जाएंगे अनेबल टू सेल लेकिन आप उसको वेटलिस्ट कर सकते हैं, तो आप उसको एचएल में चेंज कर सकते हैं, और एयरलाइन उसको बाद में केएल करेगी तब आप उसको कंफर्म करेंगे। तो सीधी सी बात है, आप एचके तभी करेंगे जब स्टेटस केएल हो या टीके हो या यूएस हो या एचएक्स हो या यूएन है, तभी आप स्टेटस को आप चेंज करेंगे। तो स्टेटस चेंज करने के चार स्टेज हो गए। पहला स्टेज हो गया जब आप पीएनआर बनाते हैं, आधी अधूरी पीएनआर होती है तब उस समय स्टेटस होता है, उसको बोलते हैं एजेंट रिक्वेस्ट कोड। जब गैलीलियो उसको एक्शन लेता है तो गैलीलियो रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं उसको, और जब एयरलाइन उस पर एक्शन लेती है तो एयरलाइन रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं, और बाकी एजेंट एक्शन लेता है तो एजेंट एक्शन कोड हो गया।
मैंने आपको अमेडियस में सॉरी गैलीलियो में करके भी दिखाया स्टेटस कैसे चेंज करनी है। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपको अक्सर बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें इतने छोटे 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 स्टेटस कोड है, सेगमेंट स्टेटस कोड है, आपको याद नहीं रह सकती है। तो आप इसका प्रिंटआउट निकाल के रख सकते हैं और आप इसको कभी भी आपको जरूरत पड़े आप इसको देख सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि स्टेटस कोड, सेगमेंट स्टेटस कोड आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। पहले आपको क्यू चेक करनी है, आपको क्यू चेक करनी है। क्यू चेक करने के बाद आपको कुछ पीएनआर मिलेंगे, उस पीएनआर को आपको बारी बारी से ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप उसको चेंज करेंगे। अभी मैंने आपको लाइव करके दिखाया और मैंने गैलीलियो में आपको मैंने सीट भी सेंड करके दिखाया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको सेगमेंट स्टेटस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या अगर कोई अमेडियस या गैलीलियो का टेस्ट पेपर देने जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली आपको यहां से भी मदद मिलेगी।